तो चलिए रुक कर लेते हैं बाराबंकी की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहिलपुर गांव में रविवार की देर रात में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला था। वहीं शव को देखकर लोग हैरान हो गए, लोगों में हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची जैतपुर थाना पुलिस ने लाश का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों ने जैतपुर से बाराबंकी जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि गांव के दो लोगों पर नामजद रिपोर्ट होने पर भी गिरफ्तारी न होने पर न्याय की गुहार लगाई मजबूर होकर रोड जाम किया। मौके पर पहुंचे जैतपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी की बड़ी मशक्कत के बाद भी परिजन वहां से हिले तक नहीं। घंटों लाश को बीच रास्ते में रखकर रास्ता जाम कर दिया था। परिजनों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए। मौके पर पहुंचे बाराबंकी सीओ ने अपनी बात रखकर कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें समझाया और आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों को सजा जरूर होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जांच कर रही है। देखिए बाराबंकी से संवाददाता हिमांशु प्रकाश की रिपोर्ट। मेरी बात सुनो, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान दे। जो हो गया मैं उसको बैक तो नहीं कर सकता, लेकिन दोषियों को सजा सुन लो फिर बताएं। दोषियों को सजा कराने के लिए हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमको मिलेगा, आपके FIR दर्ज हो गया। FIR दर्ज के बाद जितने लोग दोषी हैं हम भी तो कोर्ट में खड़े होंगे। ये तो आप सिरवादी मुकदमा लिखवा दिए, एक एक चीज से वो हमसे वकील बहस करेंगे कि आपने मुकदमा लिखवाया, दिन को जेल भेजा, तो किस आधार पर जेल भेजा? टाइम तो दीजिए, FIR न दर्ज होते बताइए। FIR के लिए उन्होंने बताया, एक लोग बोले फिर आप बोलिए कि फिर मैं आपकी सुनूंगा। FIR दर्ज रात में, हम वो नहीं है कि कोई देखा, कोई अगर आंख से देखा हो तो बताइए, तो मैं उसको अभी तुरंत करूँ। कोई इसमें से बता दे कि कोई आंख से देखा, फांसी लगा सब देखा, फांसी में लगे लटके हुए सबने देखा, कोई लेकिन हाथ से तो नहीं देखा कि अरे जो भी लटके हो या जैसे भी जो प्लांटेशन कराया गया हो, जो घटना कराई गई हो, ठीक है, हमसे सब लोग बात मत करें, एक ही लोग बात करिए। आपने जो लिखे, आपने जो लिखे